पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ा गुना, जिसमें 5 2 हटाना 25 4 हटाना, उसका सबसे बड़ा यूज होता है प्रतिशत हल करने का। प्रतिशत कैलकुलेशन का मेन पार्ट होता है प्रतिशत हल करना, परसेंटेज हटाना। तो ध्यान रखेंगे हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं प्रतिशत हटाना। प्रतिशत हम लोग किसी किस तरह से हम लोग हल करते हैं। तो नियमतः हम लोग जानते क्या है कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं अथवा दशमलव को 2 स्थान बाएं की ओर ले जाते हैं। तो चलता ही है। जैसे मान लीजिए हम लोग का लिखा हुआ है 340 का 30%। तब तो आसान काम है कि प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे अर्थात 2 जीरो खत्म कर देंगे, 2 जीरो खत्म कर देंगे अर्थात हम लोग का 34 * 3 कर देंगे, 102 हो गया। लेकिन यही अगर लिखा रहे 350 का 280%, तो ध्यान रखिएगा प्रतिशत हटाने के लिए 2 जीरो चाहिए। अब 0 लाने के लिए केयर करना होगा कि अगर 25 और 4 मिले तो बहुत अच्छी बात है, 5 और 2 मिले तो भी चलेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे ये 5 से कट रहा, 5 से 35, 2 से कट रहा 14। अब 5 2 का मतलब 1 0 और 1 0, इससे हटा देते 2 जीरो का मतलब परसेंट खत्म। अब गुना कर लेंगे 64 98 अर्थात 980। अगेन कहीं लिखा हुआ था 7250 का 480%। अब ध्यान दीजिएगा प्रतिशत हटाने के लिए तो आप 2 जीरो देख रहे हैं, लेकिन 0 हम लोग होता क्या कैलकुलेशन में गुना में खास करके 0 हम लोग लाते हैं, और 0 को पहले लाने का प्रयास करेंगे कि प्रतिशत हटाना है तो 2 जीरो अगर आसानी से हम लोग ले आए तो हमारा काम हो जाएगा। तो 2 जीरो लाने के लिए देखिए 25 से कटेगा, 1 4 से कटेगा, तो 25 से काटेंगे तो 29 बार में, 4 से काटेंगे 12 बार में। अब 25 4 का मतलब 2 जीरो हो गया अर्थात प्रतिशत की कैलकुलेशन का। अब गुना कर लेंगे 2 जीरो तो दिखाई दे रहा है, वरना 8 होटल से 8 बाकी 10 12 24 10 34। मान लीजिए लिखा हुआ था 380 का 145%। अब ध्यान दीजिए प्रतिशत हल करने के लिए 2 जीरो चाहिए, तो यहां देखिएगा 5 इससे हट रहा 29 45, और 2 हट रहा 9 2 38। 5 2 का मतलब 1 0 1 0, 2 जीरो खत्म। अब 19 को 29 से गुना कर देंगे काम हो जाएगा, तो 19 × 9 17 18 17 19 2 38 17 हम लोग का 55। ध्यान दीजिएगा कहीं लिखा हुआ था 640 का 750%। अब प्रतिशत हल करने के लिए मैंने कहा 2 जीरो चाहिए, तो देखिएगा क्या ये 25 से कट रहा है 3 बार, क्या ये 4 से कट रहा है 16 बार में, तो 16 * 48 और उस पर 0% प्रतिशत का काम कर। अगेन कहीं हम लोगों का लिखा रहता है 1645 का 360%। अब मैंने कहा प्रतिशत हल करने के लिए 2 जीरो चाहिए, तो 2 जीरो में 1 जीरो तो मुझे दिखाई दे रहा है, 5 से कट रहा है 2 से कट रहा है, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो का, तो चलिए 5 से काट देते, 5 * 15 = 1, 5 * 2 = 10 = 4 * 9 = 45, 2 से काट देते 18 * 2 = 36। अब हल करना आसान काम हो गया, 18 * 68 = 2 = 16, 18 * 36 = 16 * 52 = 5, 18 * 54 = 5। आप देख रहे हैं कहीं लिखा है 660 का 85%। अब हम लोग 660 का 85% है, तो हम लोग हल करने के लिए परसेंट हटाने के लिए देख क्या रहे हैं, प्रतिशत के लिए 1 जीरो मिल गया, 1 जीरो के लिए देखिएगा 5 और यहाँ 2, 5 2 हट जाएगा हम लोग का काम हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग 17 से गुना करते हैं, 17 * 51 = 1 = 5, 17 * 51 = 5। इसी प्रकार के लिखा था 760 का 925%।
अब हमने कहा प्रतिशत हटाने के लिए 2 जीरो चाहिए, तो 2 जीरो के लिए देख क्या रहे हैं, हमें लगता है 2504 मिल रहा, तो 25 हटा लेंगे 936 131 बार में, और 4 हटा लेंगे 1976 बार में, तो 2504 मिल गया अर्थात प्रतिशत की काम खत्म। अब जल्दी से 19 से गुना कर लेंगे, हम लोग का काम बन जाएगा, तो 19 से 3 बाकी 13, आगे 1957 में 13 जोड़ देंगे 70, अब 1 जीरो और बचा हुआ था अर्थात हम लोग का। अगेन कहीं लिखा हुआ 5.5 का 140%। अब मैंने कहा प्रतिशत हल करने के लिए 2 जीरो चाहिए, प्रतिशत हल करने के लिए 2 जीरो चाहिए, तो 1 जीरो देखिए 5, 11, 25, 5, 9, 2, 6, 7, 9, 14, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया। अब गुना करेंगे 11, 7, 77 है, एक अंक के बाद जो दसवां था अर्थात 7.7। कहीं लिखा है ध्यान देंगे 172.5 का 640%। तो मैंने कहा प्रतिशत हल करने के लिए ऑलरेडी 2 जीरो चाहिए, अब 2 जीरो के लिए देखिएगा क्या इसमें 25 से कट रहा, क्या ये 4 से कट रहा, तो 25 से कट रहा 17, 64, 71 बार में, 4 से कट रहा 16, 64 बार में, 25, 4 मिल गया मतलब प्रतिशत का काम खत्म, और 0 से 10 मतलब भी खत्म। अब सिर्फ गुना कर लेंगे 16, 44 से 4 बाकी 14, 16, 96 में 14 जोड़ देंगे 110। कहीं लिखा हुआ रहता 1360 27.5%। अब हम लोग देख रहे हैं इस परसेंट हल करने में कि फिर देखिए कैलकुलेशन देखने में भाष लग रहा है और आपकी टाइम भी ज्यादा लगेंगे आप अपने मिस करेंगे। सिंपल सा तरीका प्रतिशत हटाने के लिए 25, 4 चाहिए, 25 से कट रहा है 11 बार में, 4 से कट रहा है देखिएगा 4 से 12 बाकी 1, 4, 6, 16, 25, 4 का मतलब प्रतिशत का काम खत्म हो गया। अब 0 से 10 मतलब भी खत्म हो गया, 11 से गुना कर देते हैं तो 4, 4, 3, 7 और 3 अर्थात 374। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 25, 4 और 5, 2 हटाने के तरीके अगर आपको पता है तो गुना करना बिल्कुल आसान होता है, बहुत ही काम आता है इसका। 9.6 का 22.25%। अब देखिए 96 × 225 करना कड़ा, लेकिन हमने कहा 25 इससे हटा लेते हैं 25, 9, 2, 25, 4 इससे हटा लेते हैं 24, 96। अब 25, 4 का मतलब प्रतिशत का काम खत्म हो गया, अब केवल गुना करेंगे 24, 9, 2, 16, 216। अब 10.2 अंक और 1 अंक 3 अंक के बाद 10 अर्थात हम लोग का हो जाएगा 0.216। इस तरह से हम लोग 5, 2 और 25, 4 का यूज करते हैं। प्रतिशत की कैलकुलेशन समाप्त नहीं हुई, हम लोग का 25, 4 और 5, 2 की यूजेज मैंने बताया है कि प्रतिशत हल करने में आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। गुना करने में एक और आपका काम आता है, एक और केस आती है ध्यान देंगे कि वैसी संख्या जब दोनों के अंत में 5 हो, दोनों डिजिट के अंत में 5 हो तो गुना करना आसान होता है। जैसे ध्यान देंगे मान लीजिए मुझे 45 × 65 करना है, तो ध्यान दीजिए जब दोनों के अंत में 5 हो तो गुना करना बिल्कुल आसान होता है। जब दोनों के अंत में 5 हो तो लास्ट डिजिट आपका 25 होगा या 75, तो कब 25 और कब 75 तो सीखिएगा। 5 छोड़कर बाकी अंकों को गुना करें 6, 4, 24। अब 6, 4, 10 के आधा कितना होता है तो 5। अब 24 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 29 एग्जैक्ट आ गया, तो हम लोग लिख देंगे 29, 25। फिर से 65 × 145। ध्यान दीजिएगा दोनों के अंत में 5 है, तो जब दोनों के अंत में 5 है तो हम लोग जल्दी से 5 छोड़कर गुना करें 14, 6, 84, और 14, 6, 20 का आधा 10 होता है तो 84 में 10 जोड़ दीजिए यानी 94, 25। आगे 105 × 145। अब देख रहे हैं दोनों के अंत में 5 है, तो दोनों के अंत में 5 है तो मैंने कहा गुना करना बिल्कुल आसान है,
मैंने कहा पांच को छोड़कर के गुना करें, 14 × 10 140, और 14 × 10 के आधा होते हैं, 14 × 10 जोड़ दें, 24 × 12, 140 में 12 जोड़ देंगे 152, एक जब आ गए 152 25। अब आपको लग रहा होगा कि 75 कब होता है, तो सीखिएगा। मैंने कहा लिखा 85 × 115। अब दोनों के अंत में 5 है, तो हम लोग 5 को छोड़ करके गुना करेंगे, तो 11 × 8 करेंगे, 11 × 8 = 88। अब 11 × 8 को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 11 × 8 = 19 के आधा 9.5 होता है। इसलिए ध्यान दीजिए, 9.5 के बदले में 9 की जोड़ेंगे, तो 88 में 9 जोड़ेंगे तो 97, और जो 0.5 बचा था वही आगे 50 बन के चल जाता है, अर्थात 97.75। फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देंगे, कहीं लिखा था 75 × 45। अब देख रहे हैं 75 × 45, अब देख रहे होंगे क्या कि दोनों के अंत में 5 है, तो 7 को 4 से गुना करेंगे 7 × 28, और 7 × 4 = 11 के आधा देखते हैं तो 5.5 होता है, तो मैं 5 ही दूंगा, तो 28 में 5 जोड़ देंगे, अर्थात 33.75। अगेन 165 × 55, अब देख रहे हैं दोनों के अंत में 5 है, तो जल्दी से हम 16 को 5 से गुना कर देंगे, 16 × 5 = 80, और 21 के आधा 10.5 होता है, तो 10 ही जोड़ेंगे, 80 × 10 = 90 = 75, अर्थात पूरे पूरे आधा होगा तो 25, और पूरे पूरे आधा नहीं होगा तो 75। अगेन कहीं लिखा है 65 × 205, तो मैंने कहा 20 को 6 से गुना कर देंगे 120, और 26 के आधा 13, अर्थात 120 में 13 जोड़ देंगे 133.75। सॉरी, यहाँ आप लोग का 75 × 9 = 25, ध्यान दीजिएगा ठीक से, 65 × 205। तो मैंने कहा दोनों के अंत में 5 है, तो 20 × 6 करेंगे 120, और 26 के आधा 13, एग्जैक्ट 13 हो गई, तो 120 × 13 = 133.25। 85 × 125, मैंने कहा 5 को छोड़ दे, 12 × 8 करिए गए, 12 × 8 = 96, और 12 × 8 = 20 के आधा 10, तो 96 में 10 जोड़ देंगे 106.25। जब एग्जैक्ट होंगे आधा दे तो 25, जब एग्जैक्ट नहीं होंगे तो 75। 9.5 × 165, अब दोनों के अंत में 5 है, दशमलव से नहीं डरिए, दोनों के अंत में 5 है, तो 16 को 9 से गुना करेंगे, 16 × 44 = 100, और 16 × 25 के आधा 12.5 होता है, तो 12 ही जोड़ेंगे, तो 144 में 12 जोड़ देंगे, अर्थात 156.75, और एक अंक के बाद दशमलव।